मेकअप करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे या बहुत कुछ। मेकअप आपके जो चेहरा है, आपके जो फीचर्स हैं, उसको बस एनहेंस करने का काम करता है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिताली, आप देख रहे हैं रिवाइव लाइफस्टाइल विद वीएम का एक और वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर वो आपके पास रहते हैं तो आप कहीं भी जाते हैं तो अपना मेकअप आप एटलीस्ट खुद कर सकते हैं। तो ये ऐसे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास होना ही चाहिए। वीडियो बना रही हूँ मैं ताकि आप लोगों के पास कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स रहे, ताकि आपको अगर कोई भी वेडिंग में जाना है या कोई भी छोटे मोटे फंक्शन में जाना है तो आप अपना खुद का मेकअप खुद कर सकें। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा हम पार्लर्स वगैरह नहीं जा रहे हैं, और वैसे भी अब दिन की शादियां हो रही है तो इतना हैवी मेकअप लगता नहीं है, तो आप खुद से अपना मेकअप कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के जरिए। और आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी ऐसे कुछ यूट्यूबर्स के नाम जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं, दे डू मेकअप लाइक अ प्रो, आप उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि कोरोना ने हमें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि अब हमें मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा। वी कैन नॉट रिलाई ऑन अदर पीपल और अदर थिंग्स। साधु की आपको चीजें अब थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए ताकि हम सब में प्रो तो नहीं हो पाए, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकें कि हमें भी आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको पूरी जानकारी मैं दे पाऊँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जो लोग मेकअप करना पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ना एक अपनी मेकअप किट ले ली है, ये मेकअप किट अब मैं और सारे प्रोडक्ट्स मैंने साइड रख लिए हैं, हम एक एक स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसमें रखती जाऊंगी। तो बेसिकली अगर आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं और आप अपनी मेकअप किट तैयार कर रहे हैं तो ये मेकअप किट आपको लेके जानी है, और ये बेसिक है, ये आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपके पास होना चाहिए। अच्छा मॉइस्चराइजर आपके मेकअप को बहुत ही ज्यादा सेटल रखता है, बहुत ही ज्यादा देर तक टिकाता है। जैसे प्राइमर जो होता है, जैसे कि प्राइमर भी आप किसी मॉइस्चराइजर पे ही लगाओगे, तो मेक श्योर कि आप अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें जो कि आपकी स्किन पे सूट करता हो, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी ऑयली स्किन है और आपकी ड्राई स्किन है लेकिन आप लगा रहे हैं मॉइस्चराइजर दूसरा वाला, जैसे कि ड्राई स्किन है वो लगा रहे हैं जिसको नॉर्मल स्किन पे लगाना चाहिए, या नॉर्मल स्किन वाले ऑयली वाला मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर जो आपका है वो ही फिक्स रखना है। तो सबसे पहले मेकअप में आएगा आपका मॉइस्चराइजर। आप अपने पसंद का कोई भी ब्रांड का खरीद सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। सेकेंड मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा सा आपको लगाना है आता है टोनर। गुड वाइब्स के टोनर्स काफी अच्छे हैं और अफोर्डेबल भी हैं, आप गुड वाइब्स का टोनर ले सकते हैं। ये टोनर है मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये काफी अच्छा टोनर है, ये था रोज हिप का टोनर, एक और मेरा रखा हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब गुड वाइब्स का हॉल करूंगी इसमें आपको बताऊंगी। तो एक अच्छा टोनर आपको जरूर हेल्प करेगा अच्छे मेकअप करने में। मैं इसको ऐसे रखती जा रही हूँ ताकि, क्योंकि ये आपकी किट तैयार हो रही है, अगर आप नेक्स्ट टाइम वेडिंग में जा रहे हैं किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो ये किट आपके पास होनी ही चाहिए। थर्ड मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा सा फेस ऑयल, ये जो रहता है आपके फेस, अगर आप मेकअप करते हो तो एकदम से जो क्लीन लुक आता है, एकदम स्लीक लुक आता है, स्मूथनेस जो आती है, आप देखते हो पार्लर वाले ज्यादा यूज करते हैं, तो उसी तरह से अगर आपके पास भी रहेगा। और ये गुड वाइब्स का, मैं यहाँ पे आपको कोई भी ब्रांड नहीं बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली आप ब्रांड प्रेफर कर सकते हैं जो आप चाहें। तो ये हो गया आपका फेस ऑयल। तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी यूट्यूबर का नाम जो बहुत ही अच्छा मेकअप करती है एंड मैं भी उसे फॉलो करती हूँ, वो है श्वेता विजय। वो मेकअप करती है ना तो ऐसा लगता है शी इज प्रो इन टू इट। वो एक बहुत अच्छी मॉडल रह चुकी है और मैं देखती हूँ कि वो कितना अच्छा मेकअप करती है। और देखिये मैंने आपको जैसे बताया कि लॉकडाउन है तो ऐसे लोगों के वीडियोज देखो जिससे आप कुछ सीख पाओ। तो श्वेता विजय एक ऐसी पर्सन है जिसका आप देख सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स वो सजेस्ट करती है और साथ ही साथ में अच्छा मेकअप भी वो करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सारी चीजों के बाद में आता है हमारा प्राइमर, जिससे हमारा मेकअप देर तक टिक सके। तो एक अच्छा सा प्राइमर, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मेबेलिन का मास्टर प्राइमर है, यहाँ पे आप कोई सा भी प्राइमर यूज करें लेकिन मेकअप करने से पहले प्राइमर का यूज जरूर करें। तो ये हो गया हमारा प्राइमर। प्राइमर के बाद हम लगाएंगे अच्छा सा एक फाउंडेशन। मैं अपने सारी चीजें यहाँ पे डाल के इसलिए रखी है ताकि मैं एक एक करके आपको बताती जाऊं, क्योंकि क्या होता है कि एक भी चीज अगर इसमें से मिस हो गई तो आपका मेकअप अधूरा लगता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगी फाउंडेशन की। फाउंडेशन क्या होता है,
आपको अगर फाउंडेशन अगर आपकी जो स्किन टोन है उससे लाइट लगा लिया तो आप काले दिखने लगोगे, और अगर आप नॉर्मल है और आपने जैसे कि ज्यादा शेड वाले लगा लिए तो आपका ना एकदम ऐसे थोपा हुआ एकदम शन जो होता है वो आपका मेकअप का पूरा कहते हैं ना आधार जिस पे टिका है। तो अच्छा फाउंडेशन सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरी स्किन टोन पे मेबी का जी जो फाउंडेशन है इसका शेड है 220 जाता है, तो मैं हमेशा यही लेती हूँ। 15 लगा लूंगी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मेकअप किया है। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि वो आपकी स्किन में घुल जाना चाहिए, मतलब पैची टाइप का नहीं लगना चाहिए। और अब मैं बता दूं कि यहाँ मेरे पास मेबलिन का है, मेबलिन के बहुत सारे शेड्स आते हैं, स्किन अकॉर्डिंग टू स्किन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ना आजकल मेबलिन की जो बॉटल्स है एक ऐसी बॉटल आती है जो बहुत पहले जब आती थी तब थी, और रिसेंटली मैंने ये जो खरीदी है वो पंप वाली आ रही है। तो आप अगर अभी खरीद रहे हो तो ना मेक श्योर कि आप पंप वाली खरीदो, तो इससे ना इजी रहता है निकालने में भी और इजी रहता है और फैलता भी नहीं है आपका फाउंडेशन। तो ये हो गया हमारा फाउंडेशन। अब फाउंडेशन के बाद मेकअप को सेट करने के लिए हमें जरूरत होती है फेस पाउडर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस पाउडर, फेस पाउडर में भी शेड्स आते हैं। यस, फेस पाउडर में भी शेड्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो शेड है, अगर आप ना आप इससे ना ज्यादा हाई वाला शेड यूज कर लेंगे तो ना फिर वही पैची लगने लगेगा, और लो कर लेंगे तो आपका स्किन डार्क लगने लगेगा। तो मेकअप करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप अपनी स्किन के अनुसार ही चुने। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके शेड पे जा रहा है या नहीं जा रहा, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आपको ना पैच टेस्ट करके देखना है, यहाँ पे आप लगा के देखिए थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि ये स्किन पे मैच कर रहा है तो वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग है। तो ये हो गया हमारा फेस पाउडर। फेस पाउडर के बाद आता है, आपके बाद ही आएगा हमारा एक लूज पाउडर। लूज पाउडर जो है वो लैक्मे का आप ले सकते हैं। लूज पाउडर क्या होता है, जब आपको पूरा मेकअप हो जाए ना एकदम पूरा जब मेकअप हो जाता है तब आपको इसको यूज करना रहता है। तो आप कोई भी अच्छा रोज पाउडर ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारी किट में एक रोज पाउडर की। सबसे इम्पोर्टेंट अब मेकअप में आता है आई मेकअप। तो आई मेकअप में आप एक अच्छा सा काजल और एक अच्छा आई लाइनर आप लेंगे। जैसे कि काजल भी अगर आप यूज कर रहे हैं ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लगा लिया है और यहाँ पे वो फैल रहा है, नहीं। काजल यूज करने का भी तरीका होता है, आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरी यूट्यूबर का नाम बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप करती है, एंड बेसिकली ना वो यूपी से है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जहां से है और जहां से वो उठ के आ रही है, अपना इतना बड़ा नाम कमाया है उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है। और पता है मैं खुद पर्सनली उसके वीडियोस देखती हूँ, उसका नाम है प्रियादीप। प्रियादीप बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, एंड मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पता है उनको प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि वो एक गांव से आई है, तो पता है उनको प्रॉब्लम भी होती है स्पेल करने में कुछ चीजों पर, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और वो जो मेकअप करती है आपको उनसे जरूर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बहुत अच्छा मेकअप करती है, एकदम प्रो की तरह मेकअप करती है। शी इज वेरी नाइस यूट्यूबर। यूट्यूबर्स की दुनिया में प्रियादीप ने अपना एक अलग ही पहचान बनाई है, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रियादीप को क्यों आप बोल रहे हो, बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स पे है, सबकी अपनी पसंद होती है। मुझे जिस तरह से वो मेकअप करती है, जिस तरह से वो बात करती है, एंड द प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कहाँ से आती है। बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो बोल नहीं पाती है, वो इंग्रेडिएंट्स क्लब पड़ती है, तो उन्हें यार आप उनका काम देखिए ना, ड्रॉबैक्स मत देखिए, आप उनका मेकअप करने का तरीका देखिए, वो हर एक मेकअप कितने अच्छे से करती है। तो मेरी एक जिसको मैं ज्यादा वॉच करती थी तो प्रियादीप उसमें से एक यूट्यूबर थी, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे आई की, आई मेकअप की। तो एक अच्छा सा काजल, काजल पे अगर आप बिगिनर हैं तो आप लॉरेल पेरिस का भी काजल ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा रेंज बढ़ाते हैं तो आप शैम्फर का काजल ले सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे फैलता भी नहीं है और लंबे समय तक टिक जाता है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा है आईलाइनर, जो कि बिगिनर्स हैं जिनको आई विंग बनाना नहीं आता है, और मैं भी सीख ही रही हूँ अभी, और मैं लाइफ टाइम सीखती ही रहूंगी चीजें, और जो जो सीखती जाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती ही जाऊंगी लाइफ में। तो एक सोल्यूशन मुझे मिला यहाँ पे आइकॉनिक विंग बनाने का, वो है ये लैक्मे आइकॉनिक लाइनर पेन, और ये बहुत ही अच्छा, इसमें जो ना टिप मिलती है ये आपको हेल्प कर देती है कि आपका अच्छा सा एक आईलाइनर विंग बन जाए, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा आई का काम। आई की जब बात आती है तो आप आई मेकअप भी करोगे तो एक पैलेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप ज्यादा खर्च मत करो, आप
छोटा मोटा ही पैलेट 200-300 रुपए का जो आता है, हर ब्रांड का मिल जाता है, आप खरीद सकते हो। आप देखो इस तरह का जो डार्क पैलेट होता है वो आप खरीद लो। इससे क्या रहेगा कि अगर आपको लाइट चाहिए तो आप लाइट लगा लो, और जब डार्क करना है तो इसी को आप डार्क कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, एंड इसमें एक मिरर भी है। ये मेरा फेवरेट पैलेट है, जब भी मैं मेकअप करती हूँ इसको सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। तो ये बात हुई हमारी आई की। अब मैं आपको बात कर लेती हूँ कंसीलर की। कंसीलर हम क्यों यूज करते हैं? आप देखते हैं कि आपके ना कभी भी पिगमेंटेशन हो जाती है लोगों को, या फिर अंडर आई सर्कल्स ज्यादा दिखते हैं, तो उसको छुपाने के लिए हम कंसीलर यूज करते हैं। मैं यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, मेनली मेरी स्किन पे अच्छा जाता है। आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक नाइकअप है, लाइक purple.com में गुड वाइब्स की बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, और मैक है। मैक अगर आप देखें तो मैक जो है, मैक और शैम्पर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे यूज होते हैं। मैक के प्रोडक्ट्स भी मेरे पास हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी उसको। लेकिन ये जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए, और बिगिनर्स के लिए मेबलिन और लैक्मे के प्रोडक्ट्स एकदम परफेक्ट है। सो आप ये ले सकते हैं, लैक्मे का सॉरी ये मेबलिन का फिटनी कंसीलर है। मेरा शेड है इसमें 30 honey। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इसी कंसीलर से अपना पूरा मेकअप कर देती हूँ। तो एक अच्छा कंसीलर ना आपका फाउंडेशन भी बन सकता है। तो कंसीलर को बहुत ध्यान से चुनिए। तो ये मेरी मेकअप किट में गया मेरा कंसीलर। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास इतनी चीजें हो चुकी हैं, इतना कुछ लगता है अच्छे मेकअप करने के लिए। यस, सो अभी फिर आपको जब इतना सब कुछ हो जाएगा ना, तो आपको करना पड़ेगा ब्रशेस की जरूरत होगी। अच्छा, ब्रशेस की जब हम बात करते हैं तो मेरे पास थोड़े से ये जो है वो मेबलिन का ब्रश है, और ये जो है वो मैक का ब्रश है। आप जो ब्रशेस बिगनर्स हैं, अभी जो बिगनर्स हैं वो इतना इन्वेस्ट ना नहीं करना है, तो आप ना इसका एक ये वाले ब्रश का ना एक पूरा बैग है यहाँ मैं लगा देती हूँ। मेरे को अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो मैं सोचा मैं बना देती हूँ, और मैं आपको बाद में फिर कभी दिखा दूंगी किसी हॉल वीडियो में। तो वो जो है वो मस्ट है गर्ल्स के लिए, तो टीनेज गर्ल्स के लिए, क्योंकि मेकअप करना आपको पसंद रहता है तो आप करते हो। इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि दिस ब्रश वॉज ऑफ 1500। तो इतना ज्यादा अभी आप एक ब्रश में इन्वेस्ट करने से, जो पहला ब्रश चलाना सीख जाओ, राइट? तो आप ये वाला जो है इसका जो पूरा एक किट आता है ये वाले ब्रश का, कहते हो आप वो खरीद लीजिए। ये आपको 300-400 में आराम से आ जाएगा, और जैसे ही आप प्रो हो जाओ किसी चीज में, सो यू कैन बाई द ब्रांडेड वंस। यस, नाउ कम्स द फेवरेट पार्ट। माई फेवरेट पार्ट इज रूस। आप एक रूस जरूर खरीदें। रूस और हाईलाइटर भी है मेरे पास में। मेरा हाईलाइटर, आप ये वाला हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, और एक ये रूस आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी मेकअप के तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। एक अच्छी लिप बाम मेकअप करते वक्त ये लिप बाम आप जरूर लगाएं। पर की लिप बाम है, आप कोई सी भी लिप बाम यूज कर सकते हैं, लेकिन लिप बाम आपकी मेकअप किट में होना ही चाहिए। टिल द टाइम यू आर डूइंग द मेकअप, आप इसको अपने लिप्स पे लगाएं। उसके बाद आती है लिपस्टिक की बात। आप लिपस्टिक यूज करें। मेरे पास ना ये तीन शेड्स ही रहते हैं, ज्यादातर मैं इन तीन शेड्स को यूज करती हूँ। पहला शेड है मेरा ये मैक का महर, जो कि लाइट जब मेकअप करती हूँ मैं महर यूज कर लेती हूँ। अच्छी लिपस्टिक आपके मेकअप को एनहांस करती है। मेकअप करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे या बहुत कुछ। मेकअप आपके जो चेहरा है, आपके जो फीचर्स है, उसको बस एनहांस करने का काम करता है। जैसे कि आपके ऐसे नाक पे आप थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेंगे, या फिर यहाँ एरिया आपका थोड़ा सा मोटा है तो उसको आप स्लिम करने के कॉन्टोरिंग कर लेंगे, है ना। किसी का नाक में थोड़ा सा मोटी होती है तो उसको हम पतला दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। जिसकी आंखें छोटी छोटी होती है तो काजल लगा लेते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं। मेकअप करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम फेस ही चेंज हो जाएगा। और आजकल मैं ट्रांजेक्शन वीडियोस देखती हूँ कि पहले ना दुल्हन रहती है नॉर्मल में, और फिर जाएगा मेकअप करने से पूरी चेंज हो जाती है। तो ये तो धोखा है ना दूल्हे राजा के साथ में। तो नॉर्मल आप ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेकअप मतलब होता है कि आपके फीचर्स को एनहेंस करना, ना कि एकदम पूरा चेंज हो जाना। सो यस, तो ये थी लिपस्टिक, एंड सॉरी ये है मेरी दूसरी लिपस्टिक, ये थी मेरी रूबी बो। कोई भी एक रेड लिपस्टिक रखो आपका मेकअप कम्प्लीट दिखेगा। दूसरी है एक पिंक शेड की लिपस्टिक। पिंक शेड सारे ड्रेसेस पे जाता है, स्पेशली जो मैरिड है वो डार्क लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं तो ये लगा सकती हैं, और जो टीनेजर्स हैं वो मेबलिन की 225 शेड जरूर रखो। फ्रेंड्स, क्या किसी की शादी है, घर में किसी का फंक्शन है, अभी तो आप लोग जाते ही हो, तो ये शेड आप लगा सकते हो। एकदम से लाल चटक पिंक वाला थोड़ा सा अवॉइड करो आप लोग। उसके बाद ना एक और चीज है, जैसे कि हम कहीं जाते हैं शादी वगैरह में, तो एक ना एक्स्ट्रा ये स्पॉन्ज वगैरह आप जरूर रखो। अभी क्या होता है कि अगर आपने को किसी ने कह दिया कि यार हमें थोड़ा सा मेकअप कर दो,
अपनी चीजें यूज नहीं करने दो उनको, है ना। आप ये एक्स्ट्रा रखो, अपना तो कर नहीं सकते, अपने ही रिलेटिव्स हैं या अपने ही फ्रेंड्स हैं तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आप उनका मेकअप करो, लेकिन डू नॉट यूज योर ओन ब्रशेस। इट्स ओके टू शेयर, बट दिमाग में रखते हुए कि आपको क्या चीज नुकसान करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि मेकअप में चीजें शेयर करना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप ऐसे रखो और उनका मेकअप आप कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि बेसिक चीजें एक और जो लड़कियों के पास होनी चाहिए वो आपकी किट में, मेकअप किट में, वो है आपकी ये, इसमें आप अपनी सेफ्टी पिंस रख सकते हो, आपके थोड़े से हेयर क्लिप्स रख सकते हो, और आपकी ये साड़ी पिन रख सकते हो, किसी से मांगना ना पड़े कहीं जा रहे हो आप, तो ये ही होना चाहिए। और बात करती हूँ थर्ड यूट्यूबर की, जिसको मैं 2015 से फॉलो कर रही हूँ, जिसके सब्सक्राइबर्स जो है शायद 80 थे, 1 लाख सब्सक्राइबर, और रिसेंटली उसने एक ना वेडिंग लुक शेयर किया था। मैं कोमल मंडल की बात कर रही हूँ, फ्रॉम सुपर स्टाइल टिप्स से, मेकअप कुछ ऐसे करके ये डाला हुआ था, उसमें जो साड़ी पहनी हुई थी बिल्कुल सेम है मेरी और कोमल की। कोमल को भी मैं काफी ज्यादा फॉलो करती हूँ, क्योंकि ना उसका जो बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत सही लगता है, वो बनावटी नहीं है, वो जो है वो बोल देती है, जो उसको वो ऐसा नहीं है, वो कैमरे पे जैसी है, मैंने उसको पर्सनली भी देखा हुआ है, एक बैंगलोर में एक इवेंट था वहां पे आई हुई थी तो मैंने उसको देखा हुआ है। शी इज फ्रॉम जयपुर, और कभी मुझे अगर फ्यूचर में चांस मिला तो मैं कोमल से जरूर मिलना चाहूंगी। शी इज अ गुड यूट्यूबर, और ऐसी यूट्यूबर जिससे मैंने खुद ग्रो होते हुए देखा है, मतलब 80 सब्सक्राइब से लाख तक, 13 या 14 की ये बात है जब उसने स्टार्ट किया था अपना चैनल, एंड नाउ शी इज अ वेरी बिग यूट्यूबर। तो अच्छा लगता है जब किसी को आप शुरू से फॉलो करते हो और एंड तक उसकी जर्नी देखना, तो आज हम उसके जब वीडियोस देखते हैं ना और जब हम पुराने वीडियोस कंपेयर करते हैं तो बहुत ही डिफरेंस है, बट अमेजिंग कि लोग चेंज हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो अच्छी बात है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द मेकअप एंड द मेकअप प्रोडक्ट्स एंड द यूट्यूबर्स यू कैन फॉलो टू लर्न फ्रॉम द पीपल जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया है, राइट। तो आप उनसे लर्न कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं कि ये 3 यूट्यूबर्स काफी अच्छे हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर, प्राची अच्छा अच्छी यूट्यूबर है, वो भी बैंगलोर से है, एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस वो स्किन केयर के बनाती है। दिस वाज ऑल अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स एंड द मेकअप किट विच यू शुड मस्ट हैव, और ये जो किट है ये आपको देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन आप एक पाउच खरीद लो, उसमें सारा कुछ डाल के लेके जाओ, बट मेकअप प्रोडक्ट्स जरूर रखो, दूसरों के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज मत करो। पार्लर जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि चीजें सीखो, जैसे कि बेसिक ग्रूमिंग हो गया, बेसिक मेकअप किट हो गई, बेसिक मेकअप करना हो गया, ये हमें अब आना चाहिए। वेडिंग का सीजन चल रहा है, अपने दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।